प्रिय पदम, ये मेरा पत्र है। तुम्हें आश्चर्य तो होगा, पर इसे इत्मीनान से पढ़ना। पदम, मैंने गांव छोड़ दिया है। पदम, मैंने गांव छोड़ दिया है और मैं सोच रही थी कि ये तुम्हें कैसे लिखूं। फिर तुमसे जो सीखा है बस उसी तरीके से लिख रही हूं। पदम, मैं अब मैं तुम्हारे लिए रो नहीं सकती। मतलब रो सकती हूं पर रोऊंगी नहीं। उससे तुम कहां तो पिघल जाओगे और ना तो उन आंसू में तुम डूबोगे। तुम्हें तो तैरना आता है और अगर तुम्हें मेरे प्यार में डूबना ही होता तो डूब ही जा देना। पर मैं तो भूल गई थी कि तुम्हें तो तैरना आता है और मैं तुम्हारा हाथ पकड़े बस इस प्यार में गोते लगाते रहे। फर्क सिर्फ इतना रहा कि तुम ऊपर आ गए और मैं ऊपर आ ही नहीं पाई। तुम ऊपरी तौर से देखते रहे, कभी अंदर झांक के देखा नहीं, इन भावनाओं को समझा नहीं और मैं उन्हीं में उलझी रही। पदम, तुम्हें पता है इस पे अपना सर रख के बस ये सोचती रहती हूं कि अपने इस रिश्ते को मैं कैसे बचा सकती हूँ। और कोशिश भी करती रही अपने इस रिश्ते को बचाने की। पर फिर सुबह होती, फिर हम में से कोई कुछ बोल देता, कहीं कुछ चुप जाता, अंदर ही अंदर कुछ टूट जाता और गलती हो जाती। हाँ, पर उस गलती में तुम अपने मर्जी की गलतियां करती और मुझसे जो गलतियां हो जाती वो मुझे सौंप जाते और मैं भी वही गलतियां करती जो तुम मुझे करने देते। शायद तुम्हें मेरी ये शिकायत लगे, पर अपने बालों को कभी सूंघना। आलस के मारे तुम हफ्तों तक उन्हें धोते नहीं थे। खैर, मजाक भी कोई कितना करे, तुम और मैं साथ में कितना घूमते थे, नदी पहाड़ दूर दूर घूमे, साथ में घूमे, एक दूसरे का सहारा लेते हुए घूमे, पर तुम तो दूर ही रहे। मुझे लगता रहा हम साथ में हैं, पर हम साथ में थे, हम भीड़ में साथ में थे, हम लोगों में, हम बाहर साथ थे, लेकिन जैसी हम घर में आते तब अजीब सी थकान लगने लगती और मन टूट सा जाता। मुझे लगता था कि तुम मेरी छाया हो, पर तुम तो सूरज थे, मैं तो अपनी ही छाया के पीछे दौड़ रही थी। तुम ऐसे ही चमकते रहना, तुम सूरज की तरह चमकते रहना। तुम सूरज की तरह चमकते रहना और मैं दूर से ही
तुम्हारी ऊर्जा निहार लूंगी। प्रेम वो तो हमेशा रहेगा और यही रहेगा, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी।